थर्मोडायनेमिक्स में ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेकिन इसके अलावा जो भी पैरामीटर आए वो स्टेट फंक्शन। यहाँ पे हीट देख रहे हो, क्यों क्यों देख रहे हो, क्यों क्यों क्यों, मैं क्यों की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं है। सो इट मीन्स क्यू स्टेट फंक्शन, मतलब हीट डिपेंड करता है वर्क सॉरी पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ये क्या चीजें हैं, इसको जरा देखें। यू स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी, एच स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी, एस स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी, पी स्टैंड्स फॉर माशाल्लाह, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, वी स्टैंड्स फॉर और जी स्टैंड्स फॉर वेल डन गिब्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, गिब्स एक बहुत ही मशहूर साइंसदान था जिसने थर्मोडायनेमिक्स वगैरह की फाउंडेशन रखी है। गिब्स असल में साइंसदान का नाम, खैर बार के ये बातें समझ आ रही हैं यार। तो ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, इनके अलावा जो भी आए वो कोई भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं। ये तो याद रख सकती है ट्रिक, हाँ वेरी गुड शाबाश, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखो कि एच यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी, और एक हाँ ये भी लिख लो, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये हुआ एंट्रोपी और एक गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन। बस अरमान ये है कि टाइम ज़्यादा होता फिर हम इन चीज़ों को इतनी ज़बरदस्त और डिटेल तरीके से पढ़ते, आप अंदाज़ा भी उसको नहीं लगा सकते। लेकिन उसके लिए शर्त ये भी होता है कि सिर्फ टाइम ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, जो ऑडियंस बैठा हुआ हो वो इंटरेस्टेड भी हो इन चीज़ों में। कंप्लीट का सिलेबस तुम अच्छा दिमाग होता तो निशान मिटवाए, यहाँ पे तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, समझ यार। और फिर तो टीचर बेचारा भी क्या करे, बस वो भी बेचारा मायूस हो जाता है, वो करता है। खैर बार के चलो, ये चीज़ें मैंने आपसे रिवाइज़ करवा दी या आपके ज़रिए मैंने भी रिवाइज़ कर ली। तो एक चीज़ आपके लिए एमसीक्यूज़ के तौर पे है, बस फिर ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इधर देखिए ज़रा, इंटरनल एनर्जी का टॉपिक अभी ख़त्म हो गया। इनसाइक्लिक प्रोसेस, ये कौन सा ये कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक, इधर देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है, क्लियर, दिस इज विच प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। एमसीक्यूज ये हैं, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी। अगर होशियार स्टूडेंट था तो वो डायरेक्ट बताएगा, वेल डन। साइक्लिक प्रोसेस में जिस तरह से ये हैं, डेल्टा यू की वैल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस चीज़ के बराबर होती है। चलिए इसको छोड़ो, मुझे एक और चीज़ बताओ, चेंज इन वेलोसिटी आप लोग कैलकुलेट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अच्छा वो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन जब आप निकालते थे, अगर इनिशियल और फाइनल बराबर हो जाता तब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था क्या, नहीं था, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा ना, जो इनिशियल है वो क्या बन चुका है फाइनल, तो इस ये क्या होगा, जीरो। ये एमसीक्यूज याद रखो, जी हाँ, तो इनिशियल फाइनल जब बराबर हो गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, आंसर क्या आएगा, पॉइंट समझ आ रहे हैं ना। देखो ये मैं आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा बता रहा हूँ स्टेट फंक्शन वगैरह, लेकिन आप लोग पिछली चीज़ें भूलते जा रहे हो, बेसिक चीज़ें सही है। अच्छा कल मैं आप लोगों से ए बी सी पूछूँगा इंशाल्लाह, चलिए वही भूल चुके हो। साइक्लिक प्रोसेस में जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो के बराबर,